हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज मैं हूं आमला जंक्शन में और यहां से मैं इटारसी जाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको मरामजीरी से धाराखो वाला घाट सेक्शन पूरा का पूरा दिखाऊंगा। और ये बहुत ज्यादा सुंदर घाट सेक्शन है। जब भी आप नागपुर से दिल्ली की तरफ जाते होंगे या फिर दिल्ली से आप साउथ की तरफ जाते होंगे या नागपुर की तरफ आते होंगे, तो ये घाट सेक्शन अक्सर आपको बैतूल स्टेशन के बाद में दिखता होगा। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर घाट सेक्शन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सामने से हमारी जा रही है जीटी एक्सप्रेस, ये देखिए। और बिल्कुल करेक्ट 8 बजे हमारी गाड़ी आमला जंक्शन से छूटेगी। तो चलिए देखते हैं अब ये गाड़ी कितना लेट होती है और ये राइट टाइम अपने पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती है। फिलहाल ये है मेमू ट्रेन, जो कि पैसेंजर ट्रेन की तरह ही बिल्कुल रहती है। तो चलिए आज मैं आपको इसका एक्सेलरेशन और इसकी जर्नी दिखाता हूँ। तो ये देखिए आमला जंक्शन, ये है प्लेटफॉर्म 4 जिसपे हमारी गाड़ी खड़ी है। इसके बाजू में प्लेटफॉर्म 3 है और सामने में आप प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 1 देखेंगे। और यहीं पर पीछे साइड में आमला से छिंदवाड़ा के लिए लाइन अलग निकलती है, तो यहाँ से आप छिंदवाड़ा के लिए ट्रेन भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेमू का इंटीरियर देख लीजिए आखिर कैसा रहता है। चलिए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो फिलहाल तो हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खाली थी और साथ ही साथ इस मेमू ट्रेन में वॉशरूम्स भी रहते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी इंटीरियर इस ट्रेन का बड़ा कमाल सा है, आप देख ही पा रहे होंगे कि नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छा है। और सामने यहाँ पर हमारे सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल ट्रेन आ चुकी है, जो कि अभी दानापुर की तरफ जाएगी। कुछ देर आमला में खड़ी रहेगी, फिर इसको निकालने के बाद हमारी गाड़ी को यहाँ पर सिग्नल दिया जाएगा। और यहाँ पर मैंने हाल फिलहाल ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में वीडियो बनाया था, तो आमला जंक्शन भी उस स्कीम में आता है। और देखिए कुछ ही दिनों में आमला जंक्शन भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप मेमू को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अलग रहती है बाकी ट्रेनों से। ये आप देख सकते हैं इसके जो ट्रॉली है वो भी एकदम अलग ही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कपलिंग है, ये कपलिंग नॉर्मल कपलिंग नहीं है, मतलब कि ये शाकू कपलिंग इसे हम कहते हैं। बीच में यहाँ पर वेस्टिब्यूल भी दिया गया है एक कोच से दूसरे कोच को पार करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर कई सारे केबल्स रहते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत से आखिरी तक के पहुँचती है। और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोको पायलट और गार्ड के बीच में शेयर होती है, जिस कारण से ये सब कुछ जो है सिग्नल्स इसी से जाते हैं, इसलिए इसमें इतने सारे फंक्शनिंग दिए गए हैं। लेकिन इन ट्रेन सेट्स में बस एक ही खराबी रहती है कि अगर इसका कोई एक डिब्बा ख़राब हो जाएगा तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी गाड़ी को यहाँ वहाँ भेजना पड़ेगा या फिर पूरी की पूरी गाड़ी को एक शेड में भेजना पड़ेगा। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेन्स में कोचेस को अलग मेंटेनेंस शेड में भेजते थे, इंजन को अलग मेंटेनेंस शेड में भेजते थे, तो वैसे ही इसके साथ नहीं है, मेमू को पूरा का पूरा एक ही शेड में भेजते हैं। तो ये इसका फ़ायदा भी है और साथ ही साथ इसमें नुकसान भी है। तो अब हम आमला जंक्शन से डिपार्चर लेते हुए, और साथ ही मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन का अनाउंसमेंट भी होता रहता है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। अगला स्टेशन बरसाली। गाड़ी के पायदान पर सवारी करना तथा चलती गाड़ी से। तो यहाँ पर हम बेहद ही खूबसूरत बरसाली रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। ये आप देख ही सकते हैं सारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए पीछे भी पहाड़ है और आगे भी यहाँ पर पूरा पेड़ ही पेड़ है। यहाँ का आप प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये रेलवे स्टेशन है। देखिए हम आ चुके हैं बैतूल में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, मतलब कि मध्य प्रदेश में, और इसी ज़िले में आमला भी आता है। और यहीं से हम इटारसी जाएंगे, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है। तो ये देखिए यहाँ का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन रुकती है। और यहाँ पर 2 मिनट रुकते ही हमारी गाड़ी बैतूल से डिपार्चर लेते हुए, और सामने यहाँ पर जो डिस्प्ले आ रहा है ये आ रहा है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस का। बाकी मैंने बैतूल से एक जर्नी भी की थी, बैतूल से नागपुर तक पटना SMBT बैंगलोर हमसफर एक्सप्रेस में, जिसको कि आप देख सकते हैं आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी आप देख लीजिए बैतूल रेलवे स्टेशन भी कितना ज़्यादा सुंदर है, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 के बीच में यहाँ पर मेन लाइन के साथ साथ पेड़ भी है कई सारे। और जस्ट बैतूल जंक्शन के बाद में ही यहाँ पर हमारे घाट सेक्शन लगभग शुरू हो चुके हैं। मरामजीरी नेक्स्ट स्टेशन है बैतूल के बाद, यहाँ से आपको एकदम ही बढ़िया बढ़िया घाट्स देखने को मिलेंगे, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। बाकी ये देखिए मेमू गर्म में कैसी लगती है। और यहाँ पर ये जो पहाड़ी खोदी गई है ये थर्ड लाइन बनाने के लिए खोदी गई है।
तो यहाँ पर हम मरामझिरी रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये रेलवे स्टेशन के बाद में घाट सेक्शन शुरू हो जाता है जो कि नेक्स्ट स्टेशन धाराखो तक के रहेगा। और मरामझिरी रेलवे स्टेशन के बाद में यहाँ पर ढलान आ जाती है, मतलब कि इसके बाद यहाँ पर निचाई रहेगी और उसका रेशियो रहता है 1:60 का, मतलब कि अगले 60 मीटर चलने पर 1 मीटर डाउन आ जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी स्टीपनेस भी समझ गए होंगे। और साथ ही यहाँ पर जो लोडेड मालगाड़ियाँ रहती है तो उनके आगे में दो मल्टीपल इंजन्स लगाए जाते हैं जो कि या तो 2 WAG-9 होंगे या फिर 2 WAG-7 होंगे। और वो इंजन्स लगाने की वजह से उतरते उतरते वहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है जिससे कि वापस बिजली को सप्लाई कर सकते हैं वायर में। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ वो ट्रेन को उतरने में भी हेल्प करता है। और धाराखो में जाने के बाद वो इंजन कट जाते हैं और धाराखो से जो मरामझिरी बाकी गाड़ियां आती है तो उनके लिए वहां पर ऊंचाई आ जाती है रेलवे ट्रैक्स में, जिस कारण से ये मालगाड़ियों के या फिर नॉर्मल ट्रेन्स के पीछे लग के उनको धक्का मार के ऊपर लाते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेन्स में सभी गाड़ियों में नहीं लगते, जिन गाड़ियों में WP-7 इंजन नहीं रहता है और पुराना इंजन रहता है तो उन ट्रेन्स में अलग से यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव्स लगाए जाते हैं। बाकी मरामझिरी रेलवे स्टेशन भी बहुत ज्यादा सुंदर है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बैंकर लोकोमोटिव्स भी खड़े हैं जो कि मालगाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, और जैसी कोई भी मालगाड़ी आएगी इनको उसके आगे लगा के धाराखो तक के भेजा जाएगा। और यहाँ मरामझिरी रेलवे स्टेशन में ये आप सामने की तरफ थोड़ी सी साइडिंग देखेंगे, इस साइडिंग में मालगाड़ी की लोडिंग होती है, मतलब कि जिस सीजन में यहाँ पर मक्का आता है या फिर कॉर्न आता है तो उसकी यहाँ पर लोडिंग हुआ करती है, इसी के लिए यहाँ पर ये साइडिंग बनाई गई है। बाकी आगे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर खेत भी बहुत सारे हैं। और आज जो हम जर्नी कर रहे हैं, मतलब कि आमला से लेकर इटारसी तक, ये पूरी की पूरी जर्नी सतपुड़ा रेंज में आती है। अब सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल में सतपुड़ा रेंज सर्च करके देख सकते हैं। बाकी मैं बता दूँ ये रेंज ईस्टर्न गुजरात से शुरू होके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है, और ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ सेंट्रल इंडिया में आती हैं। अब आमला से इटारसी का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर, मतलब कि 130 किलोमीटर, और इस दूरी को कवर करने के लिए जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2 घंटा लेती है, और वहीं पैसेंजर ट्रेन या फिर मेमू लगभग 3 घंटा लेती है। क्योंकि यहाँ पर घाट सेक्शन है इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लगता है। और ये जो धाराखो से मरामझिरी का सेक्शन है ये नागपुर डिवीजन का हेवन है, मतलब कि सेंट्रल रेलवे के पूरे नागपुर डिवीजन में सबसे बेस्ट रूट अगर कोई होगा तो फिर वो यही होगा। इस ट्रेन का डिस्प्ले आपने बैतूल में देखा था, मतलब कि दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, तो वो यहाँ सामने में खड़ी थी और ये ट्रेन यहाँ पर स्टॉल हो गई थी, मतलब कि ये ट्रेन यहाँ पर चढ़ नहीं पा रही थी। इसका इंजन उतना ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं लगा पा रहा होगा जिस कारण से वो ट्रेन चढ़ नहीं पाई, और अगर लोको पायलट इससे भी ज़्यादा कोशिश करते तो उसके जो चक्के थे वो पटरी को ही पिघला देते, क्योंकि इंजन की मोटर में पावर बहुत ज़्यादा रहती है और अगर ट्रेन आगे नहीं चल पाई तो अपने ही जगह पे घूमने लग जाते हैं जिससे पटरी पिघल जाती है। इसलिए कोई भी ट्रेन जब भी ऊपर की तरफ चढ़ ना पाए तो फिर उस ट्रेन को वहीं पर रोक दिया जाता है और हेल्पर इंजन की डिमांड करते हैं, मतलब कि अब यहाँ पर बैंकर इंजन पीछे से आएगा और इस ट्रेन के पीछे लग के इसको आगे ढकेलते हुए मरामझिरी तक के लेके जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन वहाँ पर कितना ज़्यादा लेट हो गई होगी। और बाकी अभी कुछ ही देर बाद आपको यहाँ पर 2 WAG-9 भी मिलेंगे जो कि इस ट्रेन को पीछे से धक्का मारते हुए बाद में लेके जाएंगे। Oh.
ये जो छोटा सा हट आप देख रहे हैं ये ट्रैकमैन या फिर गैंगमैन बना लेते हैं जहाँ पर भी ये काम किया करते हैं, ताकि इनको खाना खाने के लिए या फिर कुछ देर रेस्ट करने के लिए थोड़े से चैन के बल मिल जाए। और ये हट इनको रेलवे नहीं बना के देती है, ये आपस में ही मिलके बनाते हैं। और सामने में आप ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं इसको कैच साइडिंग बोला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर निचाई है तो कोई भी ट्रेन अगर यहाँ पर अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो उसे धाराखोह स्टेशन ना भेज के इस लाइन का पॉइंट लगा देते हैं, जिससे कि वो ट्रेन इस ट्रैक में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाती है। मतलब कि ये ट्रैक को ऐसा बनाया जाता है कि ये ऊपर की तरफ चले जाता है अचानक से, तो जब भी कोई ट्रेन अनकंट्रोलेबल आएगी तो वो इस ट्रैक पर चढ़ जाती है। और क्योंकि ये ट्रैक ऊपर की तरफ गया है तो ये आगे जाके रुक भी जाती है। और ये देखिए वादियों या फिर घाटियों से घिरा हुआ धाराखोह रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं। और ये रेलवे स्टेशन भी बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पर हमारा घाट सेक्शन भी एंड हो जाता है, जो कि मरामझीरी से शुरू हुआ था, जस्ट नेक्स्ट स्टेशन ही है वहाँ से। लेकिन तब भी गाड़ियों को यहाँ आने में लगभग आधा घंटे का समय लग जाता है। सिर्फ एक स्टेशन के लिए सोचिए आधा घंटा लगता है घाट होने की वजह से। तो जब भी यहाँ पर कोई गाड़ी आती है तो इसके पिछले स्टेशन पर दूसरी गाड़ी को रोक दिया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके बाद तो फिर यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पिटती हैं। जैसा कि आपने वहाँ पर दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को देख ही लिया कि वो कैसे अटक चुकी थी बीच में। और यहाँ पर हमारा सिग्नल भी हो चुका है और कुछ ही देर में हम चल देंगे। ये देखिए यहाँ स्टेशन मास्टर का ऑफिस है।
और ये रहा हमारा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। और ये देखिए यहाँ पर मालगाड़ियाँ भी खड़ी है, इसमें अभी फिलहाल बैंकर नहीं लगा है। और इसी मालगाड़ी में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर बैंकर भी लगाया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन घोड़ा डोंगरी आता है, जो एक और बड़ा रेलवे स्टेशन है इस मेन रूट का। यहाँ हम घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन को अप्रोच करते हुए, और हम घोड़ा डोंगरी में अब आ चुके हैं। ये भी देखिए यहाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ढोडरा मोहर रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर आपको एक बड़ी ही अजीब ट्रेन मिलेगी जिसमें सारे के सारे कोच AC 3 इकोनॉमी के थे। तो आप खुद ही पहली बार ऐसी ट्रेन देख रहे होंगे और साथ ही मैंने भी पहली बार इस ट्रेन को देखा। तो ये ट्रेन है गोरखपुर महबूब नगर स्पेशल। तो ये ट्रेन है गोरखपुर महबूब नगर स्पेशल जो कि नागपुर की तरफ जा रही थी। और यहाँ ताकू रेलवे स्टेशन में बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिली। यहाँ एक नीम के पेड़ पर बरगद का पेड़ उगाया है, मतलब कि सेम पेड़ पर ही नीम के ऊपर बरगद का पेड़ यहाँ पर उगाया है। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी और आप इस चीज़ को ताकू रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर केसला रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, जो कि बड़ा ही अलग सा रेलवे स्टेशन है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो कि अपलाइन में है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो डाउन लाइन है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो डाउन लाइन पर है। तो ऐसा रेलवे स्टेशन आपने भी पहली बार देखा होगा जिसमें कि एक लाइन ऊपर और एक लाइन काफी नीचे है। बाकी इसमें स्टेशन मास्टर ऑफिस अपलाइन पे बना है, और अगर आपको भी ये रेलवे स्टेशन देखना है तो फिर आपको दिल्ली से साउथ वाली लाइन पर जाना पड़ेगा जिसमें कि नागपुर से इटारसी के रूट में आपको ये स्टेशन देखने को मिलेंगे। और अब हम यहाँ पर नागपुर डिवीज़न के लास्ट स्टेशन पर आ चुके हैं जिसका नाम है कीरतगढ़। तो ये रेलवे स्टेशन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जो सेंट्रल रेलवे है वो फिलहाल इसी रेलवे स्टेशन तक है, इसके बाद में नागपुर डिवीज़न और सेंट्रल रेलवे दोनों ख़त्म हो जाते हैं और वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीज़न यहाँ से शुरू हो जाता है और जस्ट इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेशन ही इटारसी है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको खाने के सामान को बड़े ही सावधानी से रखना है वरना यहाँ के बंदर ट्रेन के अंदर भी घुस जाते हैं और वहाँ पर आपसे छीना झपटी भी कर सकते हैं। ए बंदर, और इटारसी में अब इस मेमू ट्रेन के रैक को यहाँ पर ये डीजल इंजन ही शंटिंग करेगा।